हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर संगीता दत्ता, कंसल्टेंट साइकाट्रिस्ट, और आज हम लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में. डिप्रेशन एक मानसिक रोग है. डिप्रेशन में एक इंसान को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लो मूड, मतलब मन खराब रहता है, हंसने का मन नहीं होता है, हैप्पीनेस गायब हो जाती है, और हमेशा मन खराब खराब रहता है, रोने का मन करता है. ऐसा लगने लगता है कि ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं, चारों तरफ अंधेरा है, आगे जाके भी कुछ भी नहीं, कोई आशा नहीं. साथ में ये जानना भी मुश्किल होता है कि बहुत बार कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, क्योंकि ज़िंदगी तो खूबसूरत है. लेकिन जिनको डिप्रेशन है, उनका मन का हालत ही ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी में अगर कुछ भी अच्छा हुआ तो भी वो खुश नहीं रह पाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, डिप्रेस्ड रहता है. इसके अलावा रातों को ठीक तरीके से नींद नहीं आता है, जिसको हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं, और कुछ लोगों में हाइपोसोम्निया भी हम लोग देखते हैं, अर्थात वो लोग ज़्यादा ही सोते हैं. खाना पीना यूजुअली कम होता है, लेकिन कभी कभार जैसे कि यूथ में, एडोलेसेंस में, ज़्यादा भी खा सकते हैं, बिंजिंग भी कर सकते हैं. इसके अलावा यूजुअली लॉस ऑफ वेट होता है, लेकिन कभी कभार वेट बढ़ भी सकता है अगर खाना बढ़ गया तो. बहुत बार ऐसा एक इंसान हमेशा नेगेटिव सोचने लगता है कि वो अच्छा नहीं है, उसके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं है, और उसके साथ कोई भी अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है. ऐसा सोच लेके एक इंसान अगर जीना शुरू करे तो वो इनिशियली तो माइल्ड डिप्रेशन होगा, बाद में वो बढ़ के मॉडरेट डिप्रेशन, और फिर बाद में वो सीवियर डिप्रेशन तक बढ़ जाता है. बहुत बार अगर डिप्रेशन की चिकित्सा ना किया जाए तो उसमें साइकोसिस, अर्थात ऐसे कुछ लक्षण आ जाएंगे जिसका कोई लॉजिकल हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं, जो अनरियल हो, इमेजिनरी हो. जैसे कि एक इंसान सोचने लग सकता है कि उसका शरीर है ही नहीं. इनिशियली जब शुरुआत में डिप्रेशन हुआ था तब वो ऐसा नहीं सोचता था, बाद में वो सोचता है कि मेरा तो हाथ पैर कुछ भी नहीं है, सब गायब हो गया है, जिसको हम लोग निहिलिस्टिक डिल्यूशन बोलते हैं, अर्थात वो एक इमेजिनरी दुनिया में चला गया है. डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को हो सकता है, एडोलेसेंस में हो सकता है, अडल्ट को हो सकता है, और वो एक जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में भी हो सकता है. इसके कारण तीन हैं, एक है बायोलॉजिकल, एक है साइकोलॉजिकल, और एक है सोशल. बायोलॉजिकल में ये बताना ज़रूरी है कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स है दिमाग में, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उसका इम्बैलेंस होने की वजह से डिप्रेशन होता है. और औरतों में डिप्रेशन मर्दों से ज़्यादा होती है. इसका कारण है औरतों में जो हॉर्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसी के वजह से डिप्रेशन होता है. इसीलिए औरतों में जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले, या प्रेगनेंसी के दौरान, या बच्चे के जन्म के बाद, या मेनोपॉज के आसपास डिप्रेशन हो सकता है हार्मोनल कारण के वजह से. बहुत लोगों को डिप्रेशन ज़्यादातर होता है साइकोलॉजिकल वजह के कारण, जैसे कि उनका पर्सनालिटी ही ऐसा है, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, हर एक चीज़ को बहुत डीपली लेते हैं, बहुत एनालाइज करते हैं, चेंजेस के साथ वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. और बहुत बार इंसान की तन्हाई, इंसान का लैक ऑफ सपोर्ट ही उसका डिप्रेशन का कारण भी हो सकता है, और डिप्रेशन बढ़ा भी सकता है. जैसे कि एक इंसान अगर कुछ किसी भी चीज़ को लेके बहुत दुखी है, तो वो यूजुअली अपने परिवार वालों से बात करेगा या दोस्त के साथ बात करेगा. लेकिन आज के ज़माने में जहाँ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जहाँ लोग बहुत व्यस्त होते हैं, तो बात करने के लिए भी कोई नहीं होता है. तो इंसान को कोई भी प्रॉब्लम हो, वो अपने आप में ही सफ़र करने लगता है, और एक वक्त आता है कि वो सफ़र करते करते डिप्रेस्ड होता जाता है, और डिप्रेशन सीवियर डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. बाद में साइकोटिक सिम्टम्स भी डेवलप हो सकते हैं. अगर ऐसा कोई भी इंसान आपको दिखा या आप जानते हैं जो डिप्रेस्ड है, तो उनको कोई भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, उनको एक साइकाट्रिस्ट के पास लेके आइए.
साइकाट्रिस्ट और काउंसलर एसेस करते हैं कि उनका डिप्रेशन का कारण क्या है, और उनको मेडिकेशंस भी दिया जाता है, दवाइयाँ भी लिखा जाता है, और साथ में काउंसलिंग या साइकोथेरेपी भी दी जाती है। साथ में ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एक डिप्रेस्ड इंसान अल्टीमेटली सुइसाइड भी अटैम्प्ट कर सकता है। अगर एक इंसान आपको बताता है कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे मर जाना है, तो उनको सीरियसली लेना है और उनको साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाना है। डिप्रेशन आजकल की एक ग्लोबल डिसेबिलिटी का एक प्रधान कारण है, और बोला जाता है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि 2020 तक डिप्रेशन लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी बन जाएगा। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका एक ही एक एम है, गोल है, वो है कि हम डिप्रेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ाएं, लोगों को पता चले कि डिप्रेशन क्या है और इसका जो ट्रीटमेंट है, चिकित्सा जो है, वो भी लोग करवाएं। डिप्रेशन होना कोई एक छिपाने वाली बात नहीं है, हर एक को हो सकता है, अलग अलग उम्र में होती है, तो इमीडिएटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि एक इंसान अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाए। और अगर हम लोग सतर्क होंगे, अगर हम लोग अवेयर होंगे, अगर हम लोग तभी हमारा जो स्टिग्मा है डिप्रेशन को लेके या किसी भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम को लेके, वो स्टिग्मा हट जाएगी, और हटने पर ही हम लोग ऐसे लोगों की मदद कर पाएंगे और ऐसे लोगों को हम लोग एक आम जिंदगी, नॉर्मल जिंदगी दे पाएंगे। ये वीडियो देख के कैसा लगा हमें बताना मत भूलिए, साथ में लाइक करना या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर से एक अलग टॉपिक लेके, अलग विषय लेके आपके पास फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।